यहाँ पर हम लोग जो है लेयरिंग के लिए हैं, तो लेयरिंग जो है प्लांट प्रोपगेशन में दो तरह का होता है। एक लेयरिंग जो होता है दाब से, जो पौधा, जैसे ये मेरा पौधा है, तो यहाँ पर हम लोग लेयरिंग करेंगे। ये जो भाग यहाँ पर नीचे है जमीन के, तो उसको हम लोग दबाएंगे, मिट्टी के अंदर दबाएंगे। तो मिट्टी के नीचे दबा करके जब हम लेयरिंग करते हैं, तो एक ही दाब विधि हुआ। और दूसरा जो है एयर लेयरिंग करते हैं, तो इस लेयरिंग में देखिए छाल जो है सो हटा दिया गया है, और छाल में मिट्टी का जो पोषक तत्व है मिट्टी बना लिया गया है, उसमें चारों तरफ से हम लोग छाल जो हटाए हुए हैं उसको घेर करके मिट्टी का पोषक तत्व करके, और उसको एयर टाइट हम लोग टेप है और टेप से उसको बांध देंगे, और जब इसमें जड़ निकल जाएगा तब उसको कट करके हम दूसरे जगह, दूसरा गमला में या मिट्टी में कहीं भी जहाँ सुटेबल होगा वहां पर लगा करके एक नया पौधा हम बना लेंगे। पूरा टाइट बांधिएगा, खींच खींच करके थोड़ा सा टाइट बांधिएगा। ये प्लांट प्रोपगेशन में ये फायदा होता है कि फलन जो है एक साल में होने लगता है, मतलब शुरू साल में तो हम लोग उस फलन को हटा देते हैं, लेकिन दूसरे साल में जब फलन आता है तब हम लोग उसको धीरे धीरे लेने लगते हैं। कोई रोग बीमारी नहीं लगता है। ये सब जो होता है प्लांट प्रोपगेशन में, आपका ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर, उसमें कोई भी रोग बीमारी होता नहीं है। और एक ही पेड़ में कई प्रकार के आप फल लगा करके आप जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए।